हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज़ कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट को इंतज़ार था अपने एग्ज़ाम का टाइम टेबल, तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी ने आइडियल ने टाइम टेबल रिलीज़ किया है। कौन से स्टूडेंट का दोस्तों टाइम टेबल रिलीज़ हुआ है वो ये देख लीजिए। FYBA के स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है, FYBCOM, FYBSC कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का भी आ चुका है, SYBA के स्टूडेंट का आ चुका है, SYBCOM, SYBSC कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का, इतने लोगों का आ चुका है। दोस्तों, मैं एक एक करके आपको हर का मैं टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ, कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो दोस्तों, ये देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी का नोटिस है और ये जो टाइम टेबल आया है ये रिपीटर स्टूडेंट एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट का आया है, जनवरी टू दिसंबर सेशन 2020 का है। ठीक है, तो मतलब ये जितने भी टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ ये ATKT स्टूडेंट का है, रिपीटर स्टूडेंट का है। ठीक है, वो भी एनुअल पैटर्न का। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है 23 नवंबर से। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया था जिसमें टाइम टेबल के डेट डिक्लेयर कर दिए गए थे। फर्स्ट सेम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 23 से एग्ज़ाम चालू हो रहा है, मतलब फर्स्ट सेम मीन्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है 24 से चालू हो रहा है। तो देखिए 23 को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स है, टाइमिंग सेम है, सुबह 9 से लेके 6 बजे तक। ये सभी में टाइमिंग सेम है, जितने भी कोर्स है सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक का स्लॉट दिया गया है। आप कोई भी एक घंटा, किसी को अगर 10 से 11 एग्ज़ाम देना है तो 10 से 11, किसी को 1 से 2 के बीच में एग्ज़ाम देना है तो 1 से 2, या किसी को ऐसा 10:30 से लेके 11:30, मतलब आप जब भी एग्ज़ाम चालू करोगे एक घंटे का आपको स्लॉट मिलेगा। 24 को दोस्तों मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगा, टाइमिंग सभी में सेम है। 24 को बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, 25 को आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर 1 का एग्ज़ाम है, 26 को आपको कॉमर्स पेपर 1 का एग्ज़ाम है मंडे। 29 को दोस्तों आप लोगों का, देखिए इधर आपको 2-3 दिन की छुट्टी दी गई है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी का एग्ज़ाम है। 30 तारीख को दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, वेनसडे 1 दिसंबर को आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर है। ये FYBCOM की बात हो गई। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो है SYBCOM। सेम चीज़ रिपीटर स्टूडेंट एनुअल पैटर्न के है, जनवरी टू दिसंबर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इनका मैंने बोला था सेकेंड ईयर का 24 से चालू हो रहा है, फर्स्ट ईयर का 23 से हो रहा है। सेकेंड ईयर 24 से चालू हो रहा है, टाइमिंग मैंने सभी में बोला हुआ था सेम है तो सेम रहेगा। फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 पहला पेपर है आपका, 25 को एडवर्टाइजिंग है, 26 को बिजनेस लॉ है, 29 को बिजनेस इकोनॉमिक है, 30 तारीख को कॉमर्स पेपर 2 है और 1 दिसंबर को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट पेपर 2 है, 2 तारीख को दोस्तों कॉमर्स पेपर 1 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, ये था SY का टाइम टेबल। ठीक है दोस्तों, SYBCOM का टाइम टेबल मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, रीज़न ये है कि सभी के मुझे टाइम टेबल कवर करवाना है। ठीक है, देन अब हम चलते हैं FYBA स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों FYBA स्टूडेंट के लिए भी सेम, रिपीटर स्टूडेंट का है, एनुअल पैटर्न वही जनवरी टू दिसंबर सेशन के जो स्टूडेंट है उनका, आपका भी पेपर 23 से चालू हो रहा है, फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर वालों का, टाइमिंग सभी में सेम है। फर्स्ट पेपर आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में है, 24 को दोस्तों आपका लैंग्वेज है हिंदी उर्दू फ्रेंच मराठी जो भी आपका है, 25 को फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 है, 26 को दोस्तों इतने सब सब्जेक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कोड ये याद रखना, पेपर कोड जो होता है और सब्जेक्ट कोड होता है आप उससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा है। अगर किसी में पेपर कोड 23 है तो आपके इस पेपर का एग्ज़ाम है, किसी में 45 है तो आपका हिस्ट्री का पेपर है 26 को, तो आपको उधर हॉल टिकट में आपको पेपर कोड दिया जाएगा। हॉल टिकट कब आने वाला है, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड कब आने वाला है, अगर ये भी जानना है तो यार दोस्तों वीडियो में कमेंट करना, मैं इसके रिलेटेड भी एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। दोस्तों देख सकते हो 26 को आपको जो जो है, इंग्लिश है मराठी है उर्दू है हिंदी है फ्रांस है फिलोसोफी है साइकोलॉजिकल है इकोनॉमिक है हिस्ट्री है
सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स पेपर वन और रेगुलर डेवलपमेंट पेपर वन, ये सब 26 को सेम सब्जेक्ट आपके कोड के हिसाब से नीचे सेम एग्जैक्ट जो मैंने अभी ऊपर बताया वही 29 को भी आपको नीचे मिल जाएगा। सेम ही 30 तारीख को भी ऊपर वाला जो भी अभी मैंने सब रीड करके बताया सेम चीज़ मिल जाएगा, सिर्फ इधर एजुकेशन पेपर वन आ जाएगा। तो जिसका जो कोड है वो देख लेना। देन दोस्तों आपका लास्ट पेपर जो होने वाला है FY का वो 30 नवंबर को होने वाला है, ठीक है दोस्तों। देन आप चलते हैं SYBA की ओर। तो SYBA के जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों इनका भी सेम रिपीटर के जो स्टूडेंट है उनका, ठीक है। तो देखते हैं 24 से इनका चालू हो रहा है, तो इनका 1 दिसंबर तक का पेपर चलेगा। पहला है फाउंडेशन कोर्स, 2 है, देन 25 को दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन, जर्नलाइज, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। देन बाद में इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्री पेपर्स है, सोशलोजी पेपर है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और रूरल डेवलपमेंट जो मैंने FY में बताया सेम SY के लिए भी वही सब चीज़ें 26 को है। देन 29 को सेम ऊपर के पूरे सब्जेक्ट इधर फिर से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपके सिर्फ कोडिंग को देखना है कि आपके कौन से कोड है उसके हिसाब से आपके पेपर है। 30 तारीख को भी सेम ऊपर वाले नीचे, और आपका जो लास्ट पेपर होने वाला है वो 1 दिसंबर को होने वाला है। टाइमिंग आप लोगों के लिए भी एकदम एग्जैक्ट सेम है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। देन दोस्तों चलते हैं FYBA BSc IT के जो स्टूडेंट है इनके ऊपर। तो दोस्तों इनका जो पेपर चालू हो रहा है देख लीजिए, इधर भी आपको पता चल जाएगा रिपीटर स्टूडेंट एनुअल पैटर्न, ठीक है, सेकेंड हाफ। अब देखिए इनका है 23 से एग्ज़ाम चालू हो रहा है, 9 टाइमिंग सभी के लिए सेम है। पहला है फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, 24 वेनसडे के दिन फिजिक्स पेपर वन है, फिर 25 को फिजिक्स पेपर टू है, 26 नवंबर को कंप्यूटर साइंस है पेपर वन, और 29 को कंप्यूटर साइंस पेपर टू है। देन बाद में 30 तारीख को मैथमेटिक्स पेपर वन, और 1 दिसंबर को दोस्तों आपका मैथमेटिक्स पेपर टू। टाइमिंग सेम है, कोड देख लीजिए ना आप भी, पेपर कोड इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। देन दोस्तों आता है SY BSc IT कंप्यूटर साइंस। तो 24 से इनका चालू हो रहा है पहला फाउंडेशन कोर्स, पेपर टू है। 25 को दोस्तों आपका मैथमेटिक्स वन है, 26 को मैथमेटिक्स टू है, और 29 को मैथमेटिक्स पेपर थर्ड है। देन 30 तारीख को दोस्तों आपका कंप्यूटर साइंस पेपर वन है, 1 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साइंस पेपर टू, ठीक, 2 दिसंबर को दोस्तों आपका जो पेपर है कंप्यूटर साइंस पेपर थ्री, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी स्टूडेंट के टाइम टेबल थे जो मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है। दोस्तों चैनल को फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसी तरीके से हर अपडेट आप लोगों के तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।